बिहार राज्य के दरभंगा जिला बहादुरपुर प्रखंड के गंगापट्टी गांव में नाला नहीं रहने के कारण टोला मोहल्ला के लोग रोड पे पानी फेंकते हैं। सदर मंडल के घर से लेके राम टोला तक टूटा हुआ है, नाला का साधन है नहीं, इतने कॉलोनी वाले हैं सारे, वो रास्ते पे ही पानी फेंकते हैं। ये समस्या 2 साल से है, इस कारण वहाँ के लोगों के तरह तरह के बीमारियाँ होती हैं। कौन कौन बीमारी होते हैं? बुखार लगते हैं, मलेरिया हो जाते हैं, उल्टी दस्ती यार। हमारे मोहल्ले में बहुत गंदगी है, 2 साल से नाला टूटा हुआ है और मोहल्ले वाले भी परेशान है और अनेक अनेक लोग भी परेशान है अलग अलग बगल का। नाला बन जाएगा तो सब सही रहेगा, बीमारियाँ सब दूर हो जाएगी। हम लोग के मतलब गंदगी फेंकने का रास्ता नहीं है, घिनना लगता है, बीमारी फैलता है, वो दवाइयों करता है तो उसमें मतलब बुखार जार होता है, मलेरिया आ जाता है, उसमें बहुत गंदगी होता है, दवाइयों करता है तो नहीं ठीक होता है। हमको नाला चाहिए। और कि मुखिया बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ बच्चा जो है सो देखिए ना, डायरिया से एकदम अथी भो रहा है, आई यहाँ पर गंदगी का कोई अथी नहीं है, सुधार नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर तो कीचड़ इतना लग रहा है कि कोई इसका कोई सुधार करने वाला नहीं है, सरपंच न वार्ड मेंबर न अथी कोई देखने वाला नहीं है। तो इसके लिए आपने आवेदन दिया था? हाँ। मैं यह चाहता हूँ कि नाला बनाया जाए। रोजगार सेवक से मैंने जाके बातचीत की तो उसने बताया कि 2 महीनों से नाला का कार्यवाही शुरू हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि वीडियो देखने वाले गांव के रोजगार सेवक कुंवर जी को मोबाइल नंबर 9939041616 पर फोन करके दवा बनाए ताकि हमारे टोला से महेंद्र मंडल तक नाला बन जाए। मैं मंगनू राम, ग्राम गंगापट्टी, पोस्ट लहरिया सराय, थाना बहादुरपुर, जिला दरभंगा, राज्य बिहार, इंडिया अनहर्ट के लिए।